आम्ही सारख्या एका मिनिटांत स्टार्ट करता. प्रसार मीडियम मीडिया फ्रेंड्स प्लीज नोट, 1 मिनिट विल स्टार्ट. नमस्कार, मात्शी शांतता दवरा प्लीज. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. आमचे राष्ट्रीय संयोजक तशेंच दिल्लीचे मुखेलमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल आमचे बद्दल आसा, तशेंच मांचेर आसा आम आदमी गोया युनिटचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट श्री महादेव नायक जी, तांच्या बरोबर आसा प्रतिमा कुतिनो, वाल्मिकी नायक, आमचे बाणावलीचे झेड पी मेंबर बाब हॅन्सल फेर्नांडीस, म्हजे लेफ्टाक आसा गोंयचे नामनेचे यूथ लिडर बाय सेसिल रॉड्रिगीस, तशेंच वायस प्रेसिडेंट बाब कॅप्टन वेन्झी विएगस, ॲडवोकेट सुरेल तिलवे आनी बाब संदेश तेलेकर. हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार इश्ट प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे तुमचें स्वागत आसा. तशेंच कान्या कोपऱ्यातून गोंयांतल्यान आयिल्ले म्हजे आम आदमीचे मित्र परिवार आनी सगळे गोंयभर हे टॅलिकास्ट प्रसार माध्यमांतून जे लायव्ह पळयता ते म्हजे सगळे गोंयकार भाव भयणी माता पिता तुमचे सगळ्यांचे हार्दीक स्वागत आसा हे प्रेस कॉन्फरन्साक. आज तुमी सगळे जाण आतुरतेन वाट पळयता आसतले आम आदमीचे फुडले अनाउंसमेंट कितें आसतले, ते कितें गॅरंटी आसतली. ती फाटली जी आमी गॅरंटी दिल्ली विजाचे तातूंत उत्तम प्रतिसाद आयलो, आज आमच्या फुडल्या गॅरंटीची घोशणा जाता. आम आदमी पार्टी तुमकां इश्टानो सगळ्यांक खबर आसतली 2012 सुरवात जाल्ली आनी इट इज वन ऑफ द यंगस्ट पार्टी इन इंडिया. आमचे एवरेज जे एज आसा एमएलएची दिल्ली इट इज जस्ट 39 इयर्स. आनी हेच खातीर आम आदमी पार्टी जो पक्ष आसा तांकां युवा पिढी जी आसा तांचे मुद्दे सारके इश्यूज कितें आसा ते आम आदमी पक्षाकूच सारके खबर आसा. गोंयांत म्हाका मुद्दे उल्लेख करपाक जाय, गोंयांत 56% इज द यूथ पॉप्युलेशन एंड आवट ऑफ दॅट इन द एज ग्रूप 19 to 34 एज ग्रूप इज 37% ऑफ द पॉप्युलेशन. सो जी युवा पिढी आसा तांची खूब समस्या जाल्ल्यो आसा, ताजो खंयतरी नोकरेचो तोडगो काडपाक आज श्री अरविंद केजरीवालची घोशणा करतले. आनी चड वेळ घेनासतना हांव म्हाका दिल्लीचे आमचे मुखेलमंत्री तशेंच राष्ट्रीय निमंत्रक श्री अरविंद केजरीवालजी तुमकां संबोधन करचें. थँक्यू. गोवा के सभी साथियों को, सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं राहुल मामरे जी को और वेन्जी को बधाई देता हूं कि वो दोनों को दिल हमारी आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में दोनों को हिस्सा दिया गया है, दोनों को नॉमिनेट किया गया है. मैं सिसिल को बधाई देता हूं कि उन्हें हमारे पूरे देश की जो आम आदमी पार्टी की यूथ विंग है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है. गोवा के डेवलपमेंट को लेके गोवा के लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक बहुत इलैबोरेट प्लान बनाया है. गोवा स्टेट, गोवा राज्य बहुत खूबसूरत है.
गोवा के लोग बहुत खूबसूरत हैं, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया, नदियां दी, जंगल दिए, पहाड़ दिए, सब कुछ दिया, इतना खूबसूरत स्टेट है। लेकिन अभी तक इन सभी नेताओं ने और पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, और सब अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि 5 साल खत्म हो अब हमारा मौका है, 5 साल खत्म हो अब हमारा मौका है। इसे बंद करना है, इस लूट को बंद करना है। इसको लेके हमने बड़ा इलेबोरेट प्लान बनाया है, गोवा के लोगों के साथ बैठ के बनाया है, उनकी जरूरतों के मुताबिक बनाया है। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो उस प्लान का पहला पॉइंट अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कई लोगों को यकीन नहीं होता। मैंने देखा जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कुछ लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। यही चीज दिल्ली के भी मीडिया वाले पूछते थे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमने कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे, मीडिया वाले पूछते थे पैसा कहां से आएगा। पैसा आया, हमने लूट रोकी, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, हमने भ्रष्टाचार रोका, हमने रिश्वतखोरी रोकी, उससे इतना पैसा बचने लगा, इतना पैसा बचने लगा, सबकी बिजली मुफ्त कर दी। गोवा में भी करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं जो घोषणाएं करने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी हैं कि आपके मन में यही आएगा कि पैसा कहां से आएगा। आएगा पैसा, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं केवल जनता का आदमी हूं, आम आदमी हूं, आम आदमी के दर्द को समझता हूं। और जो हम कहते हैं पूरी एक्सरसाइज करके, एक एक पैसे का हिसाब करके बोलते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उनको दिल्ली में फोन करके पूछे कि उनका बिजली का बिल कितना आता है। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में और बिजली का बिल जीरो आता है। आज हम गोवा के यूथ की बात करेंगे, गोवा के युवाओं की बात करेंगे। गोवा का यूथ बहुत डिस्टर्ब्ड है, गोवा का यूथ बहुत दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहां पे पढ़ाने लिखाने के भी पैसे नहीं थे, उनको लगता है कि हमारा बच्चे को कहीं रोजगार मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा, उसके पास भी रोजगार नहीं है। ऊपर से कोरोना ने बुरा हाल किया हुआ है, कोरोना की वजह से कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने परिवार कंगाल हो गए। और पिछले कई साल से गोवा के अंदर माइनिंग नहीं हो रही है, माइनिंग की वजह से कितने लोग थे जो माइनिंग में जॉब्स करते थे, उनके सबके रोजगार चले गए। तो आज गोवा का यूथ बहुत ज्यादा दुखी है, और इनमें से बहुत सारे बच्चे फिर गोवा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसे बंद करना है, हमें गोवा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ये हो सकता है क्या? हो सकता है, एक ही शर्त है, ईमानदार और अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। अगर अच्छी नीयत वाली, अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार आएगी तो सब कुछ हो सकता है। तो गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1,
मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बचाया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे, सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार होगा, एक आम यूथ का अधिकार होगा, जिसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है और जिसकी कोई दोस्ती रिश्तेदारी किसी एमएलए या किसी और कोई पार्टी वर्कर नहीं है। एक आम गोवा के यूथ का अधिकार होगा गोवा की सरकारी नौकरियों के ऊपर। और ये दिल्ली में हमने करके दिखाया। हमारी दिल्ली के अंदर भी सरकार बनने के पहले ऐसे ही चलता था, सरकारी नौकरियां ऐसे ही मिलती थी। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे, और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पे उसको नौकरी मिलेगी। नंबर वन। नंबर टू, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। गोवा के हर घर से, हर फैमिली से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर तीन, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर चार, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। Private jobs are not reserved for Goans. We will bring a law to reserve 80% of the private jobs also for Goan youth. मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे ठेके गोवा के गवर्नमेंट बाहर वालों को दे देती है। वो बाहर वाला अपने लोगों को सबको लेके आता है, अपने सारा मैन पावर लेके आता है और गोवा के लोग देखते रह जाते हैं, गोवा के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है। उसी तरह से अभी जब माइनिंग खुलेगी, माइनिंग की ऑक्शन होगी, लोगों को ये डर है कि इसके अंदर अभी तक काफी ज्यादा माइनिंग के लोगों को नौकरी, गोवा के लोगों को नौकरी मिलती थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को माइनिंग लीज मिले वो सारे बाहर के लोगों को लेके आ जाए और गोवा के माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज जो है वो देखती रह जाए। तो ये क्लॉज हमने डाला कि 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवंस। इसमें कुछ लोगों ने हमें कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसलिए 20% रखा है कि अगर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, उस 20% में आप बाहर से ले आइए, बट 80% ऑफ द जॉब शुड बी रिजर्व फॉर गोवंस। पांचवा पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता, उनका रोजगार वापस नहीं होता, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा।
मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था गोवा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को. उन्होंने कहा एक स्टेटिस्टिक्स आई थी कि 50% ऑफ द एजुकेटेड गोवा यूथ इज अनएम्प्लॉयड. तो गोवा के एक गोवा गवर्नमेंट ने बोला कि दैट 50% ऑफ द गोवन यूथ इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे डोंट हैव रिक्विजिट स्किल्स. हु विल गिव देम स्किल्स? इट इज द गवर्नमेंट विच हैज टू गिव देम स्किल्स. इट इज द गवर्नमेंट विच हैज टू प्रिपेयर आर यूथ फॉर द जॉब्स. दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है. ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी कर अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है. नौकरी बनाने लायक उसको जब तक नौकरी नहीं बन जाती हमारी जिम्मेदार होगी. तो स्किल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन गोवा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स. आप कहेंगे जॉब्स आएंगे कहां से? अभी जैसे मैंने बताया कि गोवा को लेके हमने बहुत बड़ा इलेबोरेट प्लान बनाया है. आने वाले टाइम में मैं कई बार आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए. स्कूल्स को लेके नए नए स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स को लेके नए नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है. अभी मैं सड़क से आ रहा था, सड़कें टूटी हुई है कि नहीं हुई है? सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करेंगे. डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में. इसके लिए मैन पावर चाहिए. ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है. माइनिंग को शुरू करेंगे. माइनिंग को शुरू करने से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे? टूरिज्म के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है. विल पावर चाहिए, बस पॉलिटिकल विल चाहिए. इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे. और लास्ट में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं. मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि सावंत साहब ने गोवा के अंदर पानी फ्री कर दिया. मुझे बहुत खुशी हुई. दिल्ली में हमने किया था, 4 साल पहले हमने दिल्ली में पानी किया था. गोवा के अंदर हमने कहा हम बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा हम पानी भी फ्री देंगे. बहुत अच्छी बात है. अब मैंने सुना वहां इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी शुरू कर दिया. हमने दिल्ली में 3 साल पहले डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया था. उसमें क्या है, अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है तो आपको एक नंबर दे दिया 1076. आप उस नंबर पे कॉल करो, आपसे पूछेंगे कि आपके घर हम कितने बजे आए. दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आप बोलिए मैं रात को 9 बजे आई है, मैं काम पे जाती हूं. मैं तो रात को 9 बजे दिल्ली सरकार का ऑफिसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए. फिर वो अपने साथ मशीन वगैरह लेके आता है, फोटोकॉपिंग मशीन वगैरह. तो आप वो पहले से बता देता है ये कागज तैयार रखना, वो कागज दे दीजिए, वो फोटोकॉपी करके आपके कागज वगैरह लेके फीस लेके चला जाता है. और आपका जो भी काम है, वो राशन कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब आपका बाई पोस्ट आ जाता है. मैंने सुना है सावंत साहब ने अनाउंस किया है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे. मुझे बहुत खुशी हुई. पर मेरा एक कहना है कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं. तो जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? जब गोवा के लोग अपना वोट डाल के ओरिजिनल को चुन सकते हैं तो डुप्लीकेट को चुनने की क्या जरूरत है? फिर डुप्लीकेट वाला तो गड़बड़ी करेगा ना. सो बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक 3-4 क्वेश्चंस. उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं. वो तो देखिए बेचारे क्या बोलेंगे. अब हम कहते हैं बिजली मुफ्त करेंगे तो उनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है. हम कहते हैं हम बच्चों को रोजगार देंगे, उनके पास कुछ जवाब नहीं होता है. फिर कहते हैं केजरीवाल पोस्टरबाजी करता है. बोलने दीजिए उनको. यहाँ पे देखिए कितने, जब मैं बोल रहा था सब ताली बजा रहे थे. लोग कितने खुश हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी बिजली मुफ्त होगी, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा,
Skill University. Skill University is actually I'll share with you our experiences in Delhi. Delhi में हमने कुछ skill institutes शुरू किए, एक विवेक विहार में शुरू किया, एक दो और शुरू किए हम लोगों ने. उसमें हम 12वीं क्लास के बाद 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 1.5 साल का कोर्स ऐसे करवाते हैं. वो कोर्स करने के बाद एक एक बच्चे को दो दो तीन तीन जॉब्स मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे जॉब्स मिल रहे थे. तब हमने सोचा कि इसको एक यूनिवर्सिटी का रूप देना चाहिए. अब हमने स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है जिसमें हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ हम टाई अप करके नौकरी पक्की करेंगे जहां. और स्किल यूनिवर्सिटी की शर्त मैंने एक ही रखी है जिसको वाइस चांसलर बनाया. मैंने कहा आई विल एसेस यू ओनली ऑन वन पैरामीटर दैट ईच चाइल्ड ईच यूथ कमिंग आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी शुड हैव एटलीस्ट वन जॉब इन हिज पॉकेट. अगर जॉब नहीं दोगे तो फिर आपकी नौकरी भी पक्की नहीं है, वाइस चांसलर की नौकरी भी पक्की नहीं है. आवाज, कैन वी हैव अ माइक, इफ वी हैव अ माइक जोर से थोड़ा बोल दीजिए. पहली चीज तो मुझे लगता है कि आज हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पहला ऑप्शन बनते जा रहे हैं. जितने सर्वे आ रहे हैं, मैंने सर्वे देखे अभी इन दिनों में, 2-3 टीवी चैनल्स ने अपने सर्वे किए. एट द मोमेंट बीजेपी सीम्स टू बी एट नंबर 1 ऑन दो इन दोज टीवी सर्वेस. आम आदमी पार्टी इज एट नंबर 2 एंड कांग्रेस सीम्स टू बी कोलैप्सिंग. अभी तो 5 महीने हैं चुनाव के, 5 महीने दीजिए. 5 महीने में मुझे पूरा उम्मीद है कि गोवा के लोग, ये जो हम सब गारंटी दे रहे हैं, जो कैंपेन चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर अच्छा काम चल रहा है, उसको देखते हुए गोवा के लोग पूरी बहुमत की सरकार बनाएंगे दिल्ली गोवा के अंदर. लास्ट क्वेश्चन, एनीवन एल्स? जोर से. For reserving jobs for 80% of the goals. Haryana did it recently. Haryana has passed a law reserving 80% of their jobs for their own youth in private sector. We will study that and we'll make appropriate amendments according to Goan conditions. We will discuss with everyone. मैं जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी जैसे गोवा सरकार अभी घाटे में चलती है. हम लोगों ने 4 साल 2019 की आप सीएजी की रिपोर्ट उठा के देखिए, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार अब फायदे में चल रही है और पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो फायदे में चल रही है, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट घाटे में चल रही है. हमने ये कैसे अचीव किया? केवल ईमानदारी से. जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक वजीरपुर वाला हमारा फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, एस्टिमेटेड कॉस्ट था, हमने उसे 200 करोड़ में पूरा कर दिया. कभी एक सरकारी काम कम पैसे में पूरा होता है? तो ऐसे हर चीज में हमने पैसा बचाया, हर चीज में पैसा बचाया और उस पैसे से हमने लोगों के लिए सुविधाएं दी. गोवा के अंदर पैसे की कमी नहीं है, सरकारों के अंदर पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है. अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सारे काम होंगे. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. या लेडी, यू कैन आस्क योर लास्ट क्वेश्चन. वी विल लेट यू नो एज सून एज दैट हैपेंस एंड इफ इट हैपेंस. थैंक यू. थैंक यू. आइए मिलते हैं, मिलके बैठ के चाय पियेंगे.
कैन समवन एक्सप्लेन द क्वेश्चन? ये बात कोई दिल्ली के लोगों की या मध्य प्रदेश के लोगों की या गोवा के लोगों की कोई अलग से नहीं है। हर जगह अच्छे लोग होते हैं और हर जगह बुरे लोग होते हैं। बेसिकली तो पॉलिटिशियंस की बात है, पॉलिटिक्स खराब हो गई है, पॉलिटिशियंस खराब हो गए हैं, पार्टियां खराब हो गई हैं। लेकिन अब एक नई पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया, और दिल्ली में अच्छा काम किया तो यहां भी अच्छा काम करेंगे। The proof of the pudding lies in its eating. Last question, Captain. Sir, any follow-up on your after you had the MGP leaders in Bollywood you last time? She asked me that question. If there is any outcome, we will let you know. Thank you. Thank you.